नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दर्शिता रोहरा। रोजगार के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे रायपुर। दक्षिण अफ्रीकी सेना प्रमुख को मिला गार्ड ऑफ ऑनर। टीम इंडिया को बड़ा झटका, हेड कोच हुए कोरोना पॉजिटिव। आज राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल होने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रायपुर पहुंच गए हैं। तेजस्वी सूर्या का भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। शहर के आधे से ज्यादा मार्ग को परिवर्तित किया गया है। मुख्यमंत्री निवास के जाने वाले सारे रास्ते को बंद कर दिए गए हैं। साथ ही आसपास के क्षेत्र के स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। 14 स्थानों पर बैरिकेड और बांस बल्ली का जाल बिछाया गया है। 3000 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि सुबह 9 बजे से सभी तैनात हो गए हैं। रायपुर के अलावा दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर जैसे जिलों में भी बल बुलाए गए हैं। इसके पूर्व में राजधानी में अलग अलग थानों में पदस्थ थाना प्रभारियों को तैनात किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस कुलेकनी मबाथा को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जहां उनका सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गर्मजोशी से स्वागत किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल लॉरेंस 2 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है। इस यात्रा से दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हेड कोच राहुल द्रविड़ एशिया कप के ठीक पहले कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राहुल अब इस बड़ी प्रतियोगिता के लिए दुबई की यात्रा नहीं कर पाएंगे। राहुल द्रविड़ को 2021 में हेड कोच बनाया गया था। फिलहाल वे आराम पर चल रहे थे, क्योंकि उनकी जगह पर जिम्बाब्वे दौरे के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख VVS लक्ष्मण को हेड कोच बनाकर भेजा गया था। भारत ने वह सीरीज जीत ली थी। एशिया कप में भारत का मुकाबला 28 अगस्त को चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहा है। द्रविड़ को आइसोलेट कर दिया गया है। एक बार टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही द्रविड़ टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। देश प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें।